मॉर्निंग क्लास फिफ्थ आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे बेटा। इंग्लिश ग्रामर का हम आज कंपोजिशन पार्ट पढ़ेंगे जो बेटा आपके पेज नंबर 139 से स्टार्ट हो रहा है बुक की, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे पिक्चर कंपोजिशन। बेटा पिक्चर कंपोजिशन में आपको जो शॉर्ट राइटिंग या लॉन्ग एसेस होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं अगर हम पिक्चर राइटिंग सीख जाते हैं, पिक्चर कंपोजिशन सीख जाते हैं। देखिए पहला पिक्चर ये दे रखा, ब्लॉक कार्ट सीन है हमारा, ठीक है, एक ब्लॉक कार्ट है। इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन दिए, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आपने क्या क्या इस पिक्चर में देखा। हमने क्या क्या देखा, कार देखा, बुल्स देखे, ठीक है, हमने स्टॉक देखा, हमने जीप बस देखी, माउंटेन्स देखे हैं, ट्रीज देखे हैं। जो भी चीज़ आपने इस पिक्चर में देखा हो वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे। हाउ मैनी बॉल्स आर ड्राइंग द कार्ट, कितने बॉल्स कार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, 1 और 2, कितने बॉल्स हैं, 2। हु इज ड्राइविंग इट, और उसे चला कौन रहा है, बुलक कार्ट ड्राइवर, जो बुलक कार्ट चलाता है वो बुलक कार्ट ड्राइवर कहलाता है। वॉट डज ही हैव ऑन हिज ड्रेस, उसकी हेड पर क्या है, उसके हेड पर बेटा देखो एक टर्बन रखा हुआ है, TURBAN टर्बन। डिस्क्राइब हिज ड्रेस, हमें उसकी ड्रेस को डिस्क्राइब करना है, क्या है, उसकी एक शर्ट है, उसने एक नीचे अपना धोती पहन रखा है, धोती कुर्ता एंड टर्बन उसने पहन रखी है। देखिए इसके आंसर भी दे रखे हैं, आई सी अ ब्लॉक कार्ट इन द पिक्चर, पिक्चर में हमने ब्लॉक कार्ट देखा, 2 bulls drawing the cart, a farmer is driving it, एक farmer उसको drive कर रहा है, he has a turban on his head, he wears a kurta and dhoti, उसने कुर्ता और धोती पहन रखा है। इसी तरह से इसके और भी questions part B और part C में दे रखे हैं। Next है हमारा a wise old man, एक चालाक बूढ़ा आदमी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें picture है, उसमें एक बूढ़ा आदमी है और उसके पास 4 बेटे हैं, चारों लड़ रहे हैं, और हम उसके सीन 2 में देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये लोग कुछ खोद रहे हैं, और सीन 3 में इनके पास बहुत सारा अनाज है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे जो ये आंसर्स हैं हमें ये देने हैं, हु हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके पास लॉट ऑफ प्रॉपर्टी है, ओल्ड मैन की बात हो रही है तो ओल्ड मैन के पास होगी, है ना। नेक्स्ट हाउ मेनी सन्स डिड द ओल्ड मैन हैव, कितने सन्स हैं, देखो हर पिक्चर में जो 3 पिक्चर हैं उसमें 1, 2, 3, 4 सन्स हैं। डिड दे वर्क, क्या वो काम करते हैं, पहली पिक्चर से तो हमें नहीं लग रहा कि वो काम करते हैं, नो। वाई वॉज द ओल्ड मैन सैड, ओल्ड मैन सैड क्यों है, देखो ओल्ड मैन सैड इसीलिए होगा, चारों क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर क्वारल्ड, them are quarreled to each other, हर एक से, ठीक है। इसी तरह से बेटा इसके बी पार्ट में, सी में और डी में क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करिएगा और लिखिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप इसी में से क्वेश्चन लिखें, आपने ये वाली स्टोरी अगर पढ़ी हो उसके बेसिस पर भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलेज लाइब्रेरी, ये कॉलेज लाइब्रेरी का पिक्चर है बेटा, इसके बेसिस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, बर्थडे पार्टी का सीन है, बर्थडे पार्टी के क्वेश्चन करेंगे, सर्कस विजिटिंग का है तो सर्कस विजिट के आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है बेटा। जब आपकी ये हो जाए और अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कंसर्न करेंगे। थैंक यू क्लास।